दोस्तों काफी सारे स्टूडेंट व उनके पेरेंट्स को काउंसलिंग के बारे में काफी डाउट होता है, तो ये डाउट दूर करने के लिए मैंने कुछ इसके सेशंस रखे हैं, तो आपको मेरे ये सारे वीडियो देखने हैं। मैं आपको इस सेशन में यह बताऊंगा कि सीट अलॉटमेंट प्रोसेस क्या होती है। इसमें ज्यादातर स्टूडेंट व पेरेंट्स का ये डाउट है कि अगर कोई स्टूडेंट 10 नंबर प्रेफरेंस में सीट भरता है और उसके लोअर रैंक का स्टूडेंट उसी सीट को फर्स्ट प्रेफरेंस में भरता है, तो पहले सीट किसको अलॉट होगी, इस डाउट का हम आज क्लियर करेंगे। लेकिन कल का सेशन देखना मत भूलिएगा। कल के सेशन में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि फर्स्ट राउंड में अगर कोई सीट अलॉटमेंट ले लेता है तो उसकी क्या कंडीशन रहती है, सेकंड में अगर किसी को सीट अलॉटमेंट हो जाती है ज्वाइन करता है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, अगर वो सीट को रिजाइन करता है तो क्या कंडीशन रहती है। तो ये कल का सेशन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो बिल्कुल कल का सेशन देखना ना भूलिए। तो आज इस वीडियो में मेरा ये सेशन लाने का मतलब ये था कि हर स्टूडेंट को काउंसलिंग के बारे में जानकारी हो, उसके सारे डाउट्स दूर हो सकें। मैंने इसके बारे में बुक लिखी थी, उस बुक में भी सब कुछ समझाया ताकि हर कोई स्टूडेंट किसी के ऊपर डिपेंड ना हो सके, वो खुद वर्कआउट करके अपने काउंसलिंग करवा सके। अगर कोई स्टूडेंट किसी का सहारा भी लेता है तो कोई भी उसको बेवकूफ ना बना सके, वो अपने आप में इस प्रकार से एक एबल हो सके कि वो अच्छी तरह से काउंसलिंग करवा के अपने अच्छी सीट मार्क्स के अकॉर्डिंग ले सके। तो इसी वीडियो में हम सबसे पहले सीट अलॉटमेंट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि सीट अलॉटमेंट प्रोसेस क्या होता है और कैसे होता है। तो दोस्तों सीट अलॉटमेंट प्रोसेस दो प्रकार से होता है, एक तो होता है ऑनलाइन और दूसरा होता है ऑफलाइन। ऑनलाइन जो प्रोसेस होता है वो कंप्यूटराइज्ड होता है, यानी कि उसमें जो सीट अलॉट होती है वो कंप्यूटर से ही सीट अलॉट होती है। उसके बाद में जो ऑफलाइन प्रोसेस होता है वो एक बोर्ड द्वारा मैन्युअली कैंडिडेट को फिजिकली प्रेजेंट रहने के बाद में किया जाता है। तो सबसे पहले हम ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ऑफलाइन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो कंप्यूटर को जो सीटें कंप्यूटर से अलॉट होती हैं ऑनलाइन, उसको तीन चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले वैकेंट सीट, किस कॉलेज में कितने सीटें हैं वो उसको जरूरत होती है किसी भी सीट अलॉटमेंट के लिए। उसके बाद में उसको रैंक लिस्ट चाहिए टॉप से लोवेस्ट के क्रम में, टॉप से लोवेस्ट के क्रम में रैंक लिस्ट चाहिए। और जो उसकी तीसरी उसको रिक्वायरमेंट होती है वो होती है प्रेफरेंस की, कौन सा कैंडिडेट किस प्रेफरेंस में ऑर्डर दे रहा है उसको कॉलेज, उसकी डिजायर्ड क्या है, कौन सी कॉलेज वो चाहता है, तो वो उसको प्रेफरेंस चाहिए। तो वो तीन चीजों को देखते हुए कंप्यूटर सीट अलॉट करता है। तो हम देख लेते हैं यहां पर कैसे सीट अलॉट होती है, इसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हम देखें कि मान लो कोई स्टूडेंट 1 नंबर रैंक पर है, सबसे टॉप स्टूडेंट है, और वो अपनी प्रेफरेंस देता है एम्स दिल्ली, एमएमसी, बीएमएमसी, यूएससी, लेडी हार्डिंग, इस प्रकार से वो चॉइस देता है। तो हम सबको पता है कि वो 1 नंबर पर अगर एम्स दिल्ली देता है तो एम्स दिल्ली में 100 सीट अभी वैकेंट पड़ी हुई है, तो उसको सबसे पहले एम्स दिल्ली मिल जाएगा, इस बात को हम सब जानते हैं। तो ये तो होगी रैंक 1 की बात। अब कोई स्टूडेंट अगर 400 रैंक पर है, अगर कोई स्टूडेंट 400 रैंक पर है और वो भी इस प्रकार से चॉइस देता है, तो उसको अभी कंप्यूटर सबसे पहले ये देखेगा कि 400 रैंक वाले स्टूडेंट ने फर्स्ट प्रेफरेंस एम्स दिल्ली दिया है, तो एम्स दिल्ली में सीटें कितनी वैकेंट हैं। अगर इसमें एक सीट भी वैकेंट रही तो इस 400 रैंक वाले को पहले एम्स दिल्ली मिलेगी। उसके बाद में अगर इसमें सारी सीट फुल हो गई, मान लो इसमें 0 सीट हो गई क्योंकि इससे ऊपर 399 कैंडिडेट ऊपर है, उन्होंने पहले एम्स दिल्ली ले लिया, तो कंप्यूटर इसकी सेकंड प्रेफरेंस उठाएगा, ये एमएएमसी पर आ जाएगा। एमएएमसी में वो ये देखेगा कि इसकी जो सेकंड प्रेफरेंस है उसके अंदर कितनी सीटें खाली हैं। अगर इसमें एक सीट भी खाली हुई
तो इस कैंडिडेट को मिल जाएगी। अदर अगर इसमें जीरो सीट खाली है तो फिर कंप्यूटर तीसरी प्रेफरेंस पर अपने आप आ जाएगा। तो तीसरी प्रेफरेंस में ये देखेगा कि इस कैंडिडेट के रैंक तक अगर इसमें कोई सीट खाली है, मान लो इसमें एक सीट खाली है तो इसको यहाँ वीएमएमसी मिल जाएगी, अगर इसमें भी जीरो सीट है तो फिर चौथी प्रेफरेंस पर आ जाएगा। तो कंप्यूटर इस प्रकार से ये देखता हुआ कि कैंडिडेट ने पहले कौन सी प्रेफरेंस दी है उसमें सीट खाली है या नहीं, दूसरी प्रेफरेंस में सीट खाली है तो दूसरी, जहां उसको सीट खाली मिलेगी, इस प्रकार से अगर किसी कैंडिडेट ने आगे तक प्रेफरेंस दे रखी है, जहां पर कंप्यूटर को सीट खाली मिलेगी उसी प्रेफरेंस पर वो उसको सीट अलॉट कर देगा। अब हम कंडीशन मानते हैं कि मान लो किसी कैंडिडेट के 15,000 रैंक है और 610 उसके मार्क्स हैं, उसने पहले एम्स दिल्ली भरा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर के प्रेफरेंस टॉप में कोई भी भर सकते हैं, 610 मार्क्स वाले ने अगर एम्स दिल्ली भर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको सीट उसके ऑर्डर में तभी मिलेगी जहां कंप्यूटर को उसके प्रेफरेंस में किसी कॉलेज में सीट वैकेंट मिलेगी, तब उस कैंडिडेट को सीट मिलेगी। अगर मान लो 610 में सारी 170 जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं सारी प्रेफरेंस में भर दी, उसको लास्ट में राजा मुतैया मेडिकल कॉलेज में अगर एक सीट भी खाली मिलती है, चाहे उसने 270 के प्रेफरेंस में सीरियल नंबर पर इस कॉलेज को भरा है तो भी उसको मिलेगी ये सीट। आप चाहे प्रेफरेंस में कोई सी भी सीट मिले, पहले कंप्यूटर ये देखेगा कि उस प्रेफरेंस ऑर्डर में ऊपर वाली कॉलेजों में सीट खाली कहां पर है, जहां उसको सीट खाली मिलेगी, जहां सीट वैकेंट मिलेगी उसी को वो अलॉट कर देगा। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, सभी स्टूडेंट और पेरेंट्स को ये डाउट रहता है कि मान लो अगर किसी एक स्टूडेंट ने, मान लो किसी स्टूडेंट ने जिसके 1000 रैंक है और उसने जो आरएमएल है ये आरएमएल उसने प्रेफरेंस में दे दिया 70 नंबर पर, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, अगर किसी स्टूडेंट ने जिसकी रैंक 400 है और उसने प्रेफरेंस में 70 नंबर पर आरएमएल दे दिया, उसने कोई स्टूडेंट जिसकी रैंक 2200 है यानी कि 660 मार्क्स आ रखे हैं, 2200 है और उसने अगर पहले प्रेफरेंस में आरएमएल दिया है, तो जो पहले वाला रैंक है, रैंक वाला स्टूडेंट है 400 नंबर वाला, उसको पहले आरएमएल मिलेगी चाहे उसने 70 नंबर पर प्रेफरेंस दिया हो, क्योंकि वो कंप्यूटर ये देखेगा कि 400 नंबर का जो स्टूडेंट है उसको खाली सीट मिलेगी आरएमएल तक, तो उसको पहले आरएमएल 400 नंबर वाले को अलॉट होगी चाहे उसने प्रेफरेंस 70 नंबर पर दिया हो, लास्ट वाले को एक नंबर कॉलेज यानी कि प्रेफरेंस 1 भी दिया है तो उसको बाद में अलॉट होगी। तो ये प्रोसेस है प्रेफरेंस का। प्रेफरेंस क्यों दिया जाता है? प्रेफरेंस इसलिए दिया जाता है कि नंबर के हिसाब से स्टूडेंट की डिजायर्ड क्या है, वो किस प्रेफरेंस में पहले कॉलेज चाहता है, इसलिए आपसे प्रेफरेंस भरवाया जाता है। क्योंकि अगर मान लो किसी स्टूडेंट को, मान लो हम यही मान लेते हैं एक नंबर स्टूडेंट, वैसे किसी कंडीशन में होता नहीं है, एक या 10 नंबर या 100 नंबर रैंक वाले स्टूडेंट को पहले एसएमएस जयपुर चाहिए, तो अगर वो एक नंबर पर एसएमएस जयपुर देता है और एम्स दिल्ली में भी सीटें खाली रहती हैं तो उसको पहले एम्स दिल्ली की बजाय एसएमएस जयपुर मिलेगा, क्योंकि वो एक नंबर प्रेफरेंस पर उस कॉलेज को दे रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रेफरेंस ऑर्डर में जिस प्रकार से आप भर रहे हैं उसी प्रेफरेंस ऑर्डर में अगर वैकेंट सीट है तो आपको मिलेगी। अगर आपने प्रेफरेंस में चाहे कितने सीरियल नंबर पर किसी भी कॉलेज को भर रखा है, आपके लोअर वाले ने अगर आपसे उसको अप नंबर पर भर रखा है तो पहले आपको ही मिलेगी, यानी कि आपकी रैंक पहले है। मेरा कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे।
फिर मैं आपको स्पष्ट शब्दों में समझा देता हूं कि आप प्रेफरेंस ऑर्डर में कुछ भी भरे, आपके लोअर रैंक वाले स्टूडेंट से पहले आपको सीट मिलेगी। चाहे आपने प्रेफरेंस ऑर्डर में उस सीट को 100 नंबर पर भर रखा हो या आपसे लोअर वाले ने अगर उसको 1 नंबर पर भी भरा है तो आपको पहले मिलेगी, 100 नंबर पर भरने के बावजूद भी पहले मिलेगी, क्योंकि आप रैंक में उससे अप हैं। तो ये प्रोसेस है कंप्यूटर से सीट अलॉटमेंट करने का। अब हम बात करेंगे ऑफलाइन की। तो ऑफलाइन में ज्यादातर ऑफलाइन मॉपअप राउंड में होता है, फर्स्ट और सेकंड राउंड होता है, वो स्टेट में भी कंप्यूटर से ही होता है, और जो एमसीसी की काउंसलिंग होती है वो तो सारी ही कंप्यूटर से होती है, ऑनलाइन ही होती है। तो स्टेट में जो फर्स्ट और राउंड के बाद मॉपअप राउंड होता है वो फिजिकल राउंड होता है, स्टूडेंट को वहां फिजिकल तौर पर प्रेजेंट होना पड़ता है और बोर्ड के सामने सीट अलॉट होती है। अब ये ऑफलाइन में क्या प्रोसेस है सीट अलॉटमेंट करने का, तो दोस्तों यहाँ स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी का जो बोर्ड होता है उसके पास भी, उसको भी सीट अलॉटमेंट करने के लिए इन्हीं तीन चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले उसके पास में कॉलेज की लिस्ट होगी, उसमें कितनी सीटें होंगी ये होगी, उसके बाद में उसके पास में लिस्ट होगी मेरिट लिस्ट रैंक के अकॉर्डिंग, और तीसरी होती है स्टूडेंट की प्रिपरेशन, जो वो स्टूडेंट को एक एक करके कॉल करके उस समय लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लो एक से लेके अगर 400 तक के स्टूडेंट हैं, वो उनको सीरियलिटी वाइज पहले एक नंबर को बुलाएंगे, उसके बाद दो नंबर को, तीन नंबर को, इस प्रकार से बुला के एक नंबर वाले रैंक वाले स्टूडेंट से उनकी चॉइस प्रेफरेंस लेंगे कि क्या आपको इन कॉलेजों में कौन सी कॉलेज चाहिए। वो अगर स्टूडेंट कहता है कि मेरे को केजीएमसी चाहिए तो केजीएमसी में सीट है तो उसको सीट अलॉट कर दी जाएगी। उस प्रकार ये सीट का चार्ट देखते हुए जहां जहां भी खाली वैकेंट सीट मिलती है, स्टूडेंट की फिजिकल तौर पर प्रेजेंट होने के बाद उसकी डिमांड के अनुसार वैकेंट सीट उसको अलॉट कर दी जाती है। तो इस प्रकार से ये ऑफलाइन का प्रोसेस भी है, ऑफलाइन और ऑनलाइन का प्रोसेस सेम सी ही है इसमें, बस यही है कि ऑफलाइन में स्टूडेंट को प्रेजेंट होना जरूरी होता है। अब इसमें हम प्रेफरेंस की भी मैंने आपको बता दिया कि प्रेफरेंस क्यों देते हैं, और ये कंडीशन भी बता दी कि आपको सीट पहले अलॉट होगी, आपकी रैंक अपर लोअर रैंक वाले से पहले आपको सीट अलॉट होगी, चाहे प्रेफरेंस आपने किसी भी ऑर्डर में भरा हो। तो ये मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दी है, ज्यादातर स्टूडेंट को यही डाउट होता है। तो दोस्तों ये तो था सीट अलॉटमेंट प्रोसेस ऑनलाइन और ऑफलाइन का। अब कल का सेशन देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कल के सेशन में मैं आपको इम्पोर्टेंट बताने वाला हूं कि अगर आप फर्स्ट राउंड में सीट ले लेते हैं तो किस कंडीशन में छोड़ सकते हैं, सेकंड राउंड में सीट ले लेते हैं तो वो भी किस कंडीशन में छोड़ सकते हैं, और अगर आप स्टेट में सीट छोड़ते हैं या फिर ऑल इंडिया में सीट छोड़ते हैं तो उनके लिए क्या कंडीशन होगी, ये सब मैं कल के वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपको ज्यादा जानकारी लेनी है काउंसलिंग के बारे में तो बुक डाउनलोड कर लें, उसमें मैंने सीट मैट्रिक्स, कट ऑफ, ट्यूशन फीस के बारे में अच्छी तरह से समझा रखा है। इसको आप हमारी इस यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.com से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको काफी हेल्पफुल रहेगी, और कल के वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूं आपके सारे डाउट दूर करने के लिए। तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।